हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एंड द राइटर इज विलियम सरोयन। मेन कैरेक्टर्स इस चैप्टर के पहले ये स्टडी कर लेते हैं। आरम है, मुराद है, खुसरो है, जॉन बायरो, जोरब एंड वजीर एंड फैथ वजीर, मतलब ये कैरेक्टर्स का चैप्टर में जिक्र होता है। अब देखते हैं आरम कौन है। आरम जो है 9 ईयर्स ओल्ड लड़का है एक, जो कि नरेटर भी है। नरेटर का मतलब होता है कहानी का, कहानी को सुनाने वाला, मतलब अरम जो है इस चैप्टर में पूरी कहानी को सुना रहा है, इसलिए इसको नरेटर कहा है। मोराद क्या है, ये 13 साल का है और इसका क्या है, कजन है। क्या है इस, किसका कजन है, अरम का, यानी कि ये दोनों भाई हैं। कौन, अरम और मोराद दोनों क्या है, भाई हैं। खुसरो है, ये इनके चाचा जी हैं, अरम और मोराद चाचा, सॉरी चाची लिखते हैं, चाचा जी हैं ये। जॉन बायरो एक किसान है, फार्मर है ये, और ये कहीं और से रहने आया है इनके इलाके में, मतलब इनके गांव में। एक तरह से जॉन बायरो का एक घोड़ा है, जो कि जैसे चैप्टर का जो टाइटल है समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, वो जो हॉर्स है वो किसका है, जॉन बायरो का, जिसको ये अरम और मोराद क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। अरम और मोराद घोड़े को चुरा लेते हैं और उस पे क्या करते हैं, राइडिंग करते हैं, मतलब हॉर्स राइडिंग करते हैं। ये घोड़ा किसका है, एक्चुअल में जॉन बायरो का है। एक जिक्र आता है जोराब, जोराब कौन है, ये मोराद के पिताजी हैं। किसके, मोराद के पिताजी हैं जोराब। वजीर किसको कहा गया चैप्टर में, वजीर कहा गया है घोड़े को, और ये कौन कहता है, मोराद इसको नाम दे देता है एक तरह से घोड़े को। एक है फैतवाजियन, ये इसके खेत में, यानी कि फैतवाजियन के बार्न में, बार्न होता है खलियान, जहां पर मतलब अनाज वगैरह डाला जाता है इकट्ठा करके काटने के बाद, उसे बार्न कहते हैं। तो फैतवाजियन के खेत में ये घोड़े को बांधते हैं, मतलब जो घोड़ा इन्होंने चुराया हुआ है वो फैतवाजियन के खेत में बांधते हैं। तो मेन कैरेक्टर्स है अरम एंड मुराद, कजन्स हैं, खुसरो इनके चाचा जी हैं, जॉन बायरो एक किसान है जिसके पास घोड़ा है, जोराब मुराद के पिताजी हैं, वजीर घोड़े को कहा गया, फैतवाजियन जो है इसके बांध में ये घोड़े को बांधते हैं चुराने के बाद। एक इसमें जिक्र आता है ग्रोगेलियन फैमिली, ये कौन है, ये अरम एंड मोराद की फैमिली है, मतलब अरम और मोराद इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये जो फैमिली है ये अपनी ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। कौन, ग्रोगेलियन फैमिली, कौन बिलोंग करता है इससे, अरम एंड मोराद। एक आर्मेनियन वर्ड आता है इसमें, आर्मेनियन लैंग्वेज के लिए है, ये किसकी भाषा है, मुराद की, आम की, खौसरो की, जोराब की, ये कौन है, सारे आर्मेनियन है। लेकिन जॉन बायरो जिसका घोड़ा होता है वो क्या है, असायरियन है, मतलब ये इसकी लैंग्वेज दूसरी है, इनकी दूसरी है, और ये असायरियन जो है ये आर्मेनियन को सीख भी लेता है थोड़ी बहुत काम चलो। ये मेन मेन कैरेक्टर्स और वर्ड्स है इस चैप्टर के, इसके एमसीक्यूज करते हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी जो है एमसीक्यूज के थ्रू भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द ग्रुगेलियन ट्राइब, जो ग्रुगेलियन ट्राइब है उसके हॉलमार्क्स क्या है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये जो फैमिली है, ये जो ट्राइब है, ये किस लिए जानी जाती है, अपने ट्रस्ट के लिए और ऑनेस्टी के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ टू ब्लैंक बॉयज, मतलब कौन से दो लड़कों की स्टोरी है, आर्मेनियन है, अरेबियन है, असायरियन है, अफ्रीकन है, तो वो कौन से हैं, आर्मेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोराद एंजॉयड बीइंग ब्लैंक मोर देन एनीबॉडी एल्स, वैसे मोराद के लिए पूरे चैप्टर में ये वर्ड बहुत यूज होता है, क्रेजी, तो हमारे ऑप्शन क्या आ सकता है, क्रेजी है, लाइव है, फनी है, नन ऑफ द अबव। और ये जो मोराद है ये मतलब जीवन जीने में, जिंदा दिल होने में सबसे ज्यादा विश्वास रखता है कोई और जो उनके कबीले का है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइव, मतलब ये सबसे ज्यादा जिंदगी जीने में विश्वास रखता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में विश्वास रखता है, जिंदा दिल है ये, कौन, मोराद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्म वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, और जो अर्म है, अर्म कौन है इस चैप्टर में, नरेटर है। नरेटर का मतलब क्या होता है, जो कहानी को सुनाने वाला होता है उसे हम नरेटर कहते हैं। वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, इसकी पहली इच्छा क्या थी, टू ओन ए हॉर्स, टू बिकम रिच, टू राइड ए हॉर्स, टू विजिट ए विनयार्ड, इसकी पहली इच्छा थी टू राइड ए हॉर्स, मैं घोड़े की सवारी करूँ, किसकी, अर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही फाउंड दैट मोराद वॉच,
और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा मुराद जो है क्या था, डांसिंग ऑन वन लेग, नाच रहा था एक टांग पे, ईटिंग एन एप्पल, सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सीटिंग ऑन ए न्यू स्कूटर, सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है शुरू होता है इस लाइन से, मतलब वो जब मोराद जो है आके अपने भाई अरम को जगाता है, और तो अरम बाहर उठ के देखता है कि मोराद एक बहुत सुंदर से व्हाइट घोड़े पर बैठा हुआ है। आगे क्या है, अरम जो है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है तो इसको विश्वास नहीं होता कि ये घोड़े पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुडंट अरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विद द हॉर्स, उसे विश्वास क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मुराद वाज क्रेजी, बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स, बिकॉज ही वाज स्लीपी, बिकॉज ही वाज ड्रीमिंग, बिकॉज दे वर वेरी पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स, मतलब ये घोड़ा खरीद नहीं सकते और उसके पास घोड़ा है मतलब इसलिए इसको अरम को विश्वास नहीं हो कि ये घोड़ा कहाँ से लेके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड अरम लिव, और अरम और मोरा कहाँ पर रहते थे, ये इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द कंट्री, ओलिव एवेन्यू, एट द एज ऑफ द टाउन, ऑन वॉलनट एवेन्यू, ये रहते थे एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स, अर्म ने घोड़े का वर्णन, डिस्क्राइब का मतलब उसका वर्णन कैसे किया, मतलब घोड़े के बारे में क्या बताया, मैग्निफिशेंट एंड लवली, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, उसने बताया बोथ ए एंड बी, घोड़ा जो था मैग्निफिशेंट लवली एंड ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, ये सब कुछ उसने बताया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो मेंबर ऑफ द क्रोगेलियन फैमिली कुड बी, कोई भी मेंबर जो है ग्रोगेलियन ट्राइब का या फैमिली का क्या नहीं हो सकता, पुअर नहीं हो सकता, रिच नहीं हो सकता, एथीफ एंड क्रेजी, क्योंकि ग्रोगेलियन फैमिली किसके लिए जानी जाती है, अपनी ईमानदारी के लिए, तो उसका कोई भी मेंबर जो है चोर नहीं हो सकता, गरीब तो ये थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज, मोराद किसका वंशज माना जाता है, मतलब किसके गुण आए हुए हैं उसमें, फादर के, अंकल के, ग्रैंडफादर के, ग्रेट ग्रैंडफादर के, तो वो माना जाता है अपने अंकल का, क्योंकि अंकल खोसरो जो है और ये मोराद जो है दोनों एक जैसे सी हैं, दोनों क्रेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खोसरो, अंकल खोसरो को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे उसे, और टेम्पर्ड है, इरिटेबल है, इम्पेशेंट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो हॉट टेम्पर्ड भी है, मतलब गुस्से वाला भी है, इरिटेबल चिड़चिड़ा भी है, वो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है जिसमें शांति ना हो, अधीर, एक तरह से अधीर का मतलब होता है जिसमें पेशेंस ना हो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड अंकल खोसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, अंकल खोसरो इतना गुस्से वाला था कि वो किसी को भी चुप करवा देता था बोलने से, तो किस क्या करता था वो, बाय बीटिंग देम, उनको पीटता था, बाय वॉकिंग अवे, दूर चला जाता था उनसे, बाय शाउटिंग एट देम, बाय इग्नोरिंग देम, वो क्या करता था उनके ऊपर चिल्लाता था, बाय शाउटिंग एट देम, और जब गुस्से से चिल्लाता था तो लोग डर के चुप हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अंकल खोसरोज कस्टमरी लाइन, अंकल खोसरो एक लाइन हमेशा बोलते थे, कोई भी बात हो, नो मैटर व्हाट, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो एक ही लाइन बोलते थे, इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वो चाहे कुछ भी हो जाए उनके घर में, बाहर कहीं भी अगर कोई बात कर रहा था तो उसको चुप करवाते थे, क्या कह के, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। एक बार इनका घर जल रहा था तो इनका बेटा जब इसको बुलाने के लिए आया कि अपना घर जल रहा है, तब भी इन्होंने क्या कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, क्योंकि ये उस टाइम दाढ़ी बनवा रहे थे, जैसे बाल कटवा रहे थे, तो वो जब बुलाने आया कि पिताजी घर चलो, घर में आग लगी है, तो इन्होंने क्या कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, जब नाई ने कहा कि लड़का कह रहा है घर में आग, तो उसने उसको आधा सेंटेंस कहते ही चुप करवा दिया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब ये इसकी लाइन थी, इसको ही बोलते थे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अरम रोड द हॉर्स अलोन इट रेन डाउन द रोड टू द, जब अरम अकेला घोड़े पर बैठता था सवारी करने के लिए तो वो कहाँ भाग जाता था, विनयार्ड, इरिगेशन डिच, फील्ड एंड कंट्री साइड, वो चला जाता था विनयार्ड, मतलब अंगूर के बेलों के ऊपर से कूदते हुए इधर चला जाता था इरिगेशन में और फील्ड में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विनयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, मुराद घोड़े को कहाँ छुपाता था, क्योंकि घोड़ा इसने क्या था चुराया था, तो ये इसे कहाँ छुपाता था, इनस्टेबल,
इन ए बार्न ऑफ विनयार्ड एट द सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस नन ऑफ द अबव, इन ए बार्न ऑफ ए विनयार्ड। और ये बार्न किसका था? फैतवा जीन का। किसका था? फैतवा जीन का। एफ बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली। घोड़े का शुरुआत में बिहेवियर कैसा होता है? इट वॉन्टेड टू बी ट्रेंड, इट वॉन्टेड टू रेस्ट, इट वॉन्टेड टू रन वाइड, ऑल ऑफ द अबव। इट वॉन्टेड टू रन वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिड मोराद मेंशन विद द हॉर्स। मतलब किस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कहता है वह हॉर्स के साथ? मेच्योर, सिंपल एंड ऑनेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट। सिंपल एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन बायरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ। अब मैंने बताया था जॉन बायरो किसी और भाषा का था, ये कहीं और से आके वहां पर रह रहा था, तो इसने क्या सीखने आर्मेनियन जो है सीखनी सीख ली थी किस कारण से? नेसेसिटी, फन, इगरनेस, लोनलीनेस। इसने अकेलेपन के कारण, क्योंकि सब दूसरी भाषा बोलते थे तो इसे समझ नहीं आता था, इसे अकेला पड़ जाता था, तो अकेलेपन के कारण इसने जो है आर्मेनियन भाषा सीख ली थी ताकि लोगों से बात कर सके। Who was the true owner of the horse? घोड़े का वास्तविक मालिक कौन था? जॉन बायरो है, फेतवाजियन है, डिक्रान हेलबियन है, जोराब है। घोड़े का वास्तविक मालिक कौन है? जॉन बायरो। ये फेतवाजियन कौन आया है? जिसका बांध था, यानी कि जिसके खेत में घोड़ा बांधते थे। जोराब कौन है? जोराब मुराद का ये पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग डिड मोराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गो टू नो अबाउट इट। कितने टाइम से मोराद के पास घोड़ा था जब अरम को पता चला कि मोराद के पास घोड़ा है? 1 day, 1 year, 1 month, 1 week। 1 महीने से उसके पास वो घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मोराद राइड द हॉर्स। वो अरम और मोराद घोड़े को किस समय चलाते थे, मतलब राइडिंग कब करते थे उसके? लेट नाइट, रात को करते थे, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून? वो करते थे अर्ली मॉर्निंग। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, हु सेज इट टू हिम। ये सारी लाइन जो है, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, आई हैव ए वे विद डॉग्स, आई हैव ए वे विद हॉर्स, मतलब तीनों के साथ कहता है, डॉग के साथ भी कहता है, हॉर्स के साथ भी कहता है। ये कौन किसको कह रहा है? अरम कह रहा है मोराद को, मोराद कह रहा है जॉन बायरो को। अरम टू जॉन बायरो, मोराद टू अरम। ये मोराद कहता है किसको? कहता है अरम को कि भाई मुझे जो है फार्मर्स के साथ डील करना आता है। एक लाइन में ये भी कहता है आई हैव ए वे विद डॉग्स, आई हैव ए वे विद हॉर्स, मतलब मुझे डॉग्स के साथ बात करनी आती है, हॉर्स को के साथ अच्छा व्यवहार करना आता, मतलब हॉर्स जो है मेरे मेरी बात मानेंगे, एक तरह से कुत्ते मुझे नहीं भोकेंगे क्योंकि मुझे कुत्तों के बारे में नॉलेज है। तो ये सारी लाइन कौन कहता है चैप्टर्स में? मोराद कहता है। किसको कहता है? आरम को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन बायरो सेड ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट, हु डज इट टेल अबाउट हिम। What does it tell about him? ये उसके बारे में क्या बताता है जॉन बायरो के बारे में? He believed in the honesty of Grogelian family. He was impractical. He was foolish. None of the above. He believed in the honesty of Grogelian family. वो Grogelian family की ईमानदारी में विश्वास रखता है। Next question is why did the horse owner refuse to believe that the boys had stolen his horse? हॉर्स का जो मालिक है, कौन है हॉर्स का मालिक? जॉन बायरो। जॉन बायरो क्यों मना कर देता है ये कि भाई घोड़ा इन्होंने चुराया होगा? बिकॉज ही डिडंट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, बिकॉज देयर फैमिली हैड नोन फॉर ऑनेस्टी, बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, बिकॉज हिज हॉर्स इज अ ट्विन, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। किसकी? अरम एंड मोराद की फैमिली जो है, अरम और मोराद की फैमिली किसके लिए जानी जाती है? ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। इसीलिए जॉन बायरो जब घोड़े को देख लेता है ना, मतलब अरम और मोराद के साथ वो घोड़े को भी देखता है, घोड़े को देख के उसके दांत भी गिनता है, घोड़े की पहचान होती है दांत से, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है कि मेरा घोड़ा नहीं। वो कहता है ये मेरा ट्विन होगा, मतलब मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा हो सकता है, क्योंकि वो उसे पता है कि भाई ये बहुत ईमानदार है और ये घोड़े को नहीं चुराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स। कब उन्होंने घोड़े को वापस कर दिया? आफ्टर अर्म लर्न टू राइड इट, आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 6 month, आफ्टर दे रन इन टू जॉन बायरो। क्योंकि अभी भी वो जिक्र किया था, एक दिन रास्ते में अरम को और मोराद को कौन मिल जाता है? जॉन बायरो मिल जाता है। और वो उनको एडी मोराद को जब जॉन बायरो मिल जाता है, इनके साथ घोड़ा भी होता है,
और जब ये घोड़े को देख लेता है तो उसके बाद ये जो है इसका घोड़ा लौटा देते हैं आफ्टर दे रेन इन टू जोन बायरो, जब इनके साथी देख लेता है ना घोड़े को तो ये उसे वापस कर देते हैं। व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर, क्यों रिटर्न कर देते हैं इसके मालिक को, बिकॉज दे वर कंसर्न स्ट्रिकन, बिकॉज दे वर अफ्रेड, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, क्योंकि उनकी आत्मा जो है एक तरह से चोरी के लिए नहीं मानती है इसीलिए वो उसको लौटा देते हैं। आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकेम, जब हॉर्स को चोरी किया गया और जब इसको वापस दिया गया तो ये क्या बन गया था, रफर बन गया था, सिक एंड इल हो गया था, स्ट्रोंगर एंड टेम्पर्ड, बेटर टेम्पर्ड हो गया था, बहुत ए एंड सी, तो ये स्ट्रोंगर भी हो गया था और अच्छे व्यवहार, बेटर टेम्पर्ड का मतलब अच्छे व्यवहार वाला हो गया था, इसका व्यवहार जो है बहुत अच्छा हो गया था। क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, हु सेड दिस, ये किसने कहा, मुराद ने कहा, अरम ने कहा, अंकल खोसरो ने कहा, नॉट मेंशन्ड इन द स्कोर, ये कहा अंकल खोसरो ने। जब जोन बायरो इनके घर पे आके कहता भाई मेरा घोड़ा मिल गया है तो ये एकदम से चिल्लाता है क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, बट आइडिया और थीम डज द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स एंटेल्स, किस आइडिया के बारे में ये बात करता है, चैप्टर ऑनेस्टी ऑनर ट्रस्ट ऑल ऑफ द अबव, ये सबके बारे में बात करता है। द नरेटर गेस दैट हिज कजन मुराद हैड द हॉर्स, मतलब वो अंदाजा लगाता है कि इसके कजन ने मुराद ने घोड़े को क्या किया होगा, परचेज किया होगा, बोरो किया होगा, हायर किया होगा, स्टॉलर ने उसको चुराया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ नरेटर्स अंकल, नरेटर्स के अंकल का क्या नाम है, खोसरो है, जोराव है, जोन बायरो है, मुराद है, अंकल का नाम है खोसरो। जोराव कौन है, मुराद के पिता, जोराव कौन है, मुराद के पिता, जोन बायरो कौन है, एक फार्मर है जिसका कि घोड़ा है, मोराद कौन है, ये कजन है किसका, अरम का या नैरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट फेमस कमेंट ऑफ अंकल खोसरो, आई लव आई विल हेल्प यू, यू आर द बेस्ट बॉय, गॉड इज ग्रेट, इट इज नो हार्म, इसका फेमस कमेंट जो है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ मुराद्स फादर, मुराद के पिताजी का क्या नाम है, जोन बायरो है, खुसरो है, जोराब है, अरम है, जोराब। व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर ट्राइड टू हैव ए हॉर्स राइड, क्या होता है जब नरेटर, नरेटर कौन है, अरम, जब अरम जब भी हॉर्स राइडिंग करना शुरू कर देता तो क्या होता है, ही हैड ए वंडरफुल टाइम, द हॉर्स थ्रू हिम डाउन, ही कंट्रोल्ड द हॉर्स, ही डिड नॉट लाइक द हॉर्स, द हॉर्स थ्रू हिम डाउन, घोड़ा उसे हमेशा नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिज कजन टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, पहली बार जब ये घोड़े पर जो है बैठने राइड करने के लिए जाते हैं अरम के साथ, मतलब अरम जब भी पहली बार घोड़े पर राइड करने के लिए जाता है और जब अकेला राइड करता है तो घोड़ा उसे गिरा के भाग लेता है, तब उन्हें कितने टाइम में घोड़ा वापस मिलता है, हाफ एन आवर, 2 आवर, द होल डे, 2 डेज, हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन द फार्मर हैड गोन अवे, जब फार्मर कौन है, जॉन बायरो, फार्मर कौन है, जॉन बायरो, जब जॉन बायरो उनके घर से चला जाता है, जब ये कहता है भाई मेरा घोड़ा जो है पिछले महीने चुरा लिया गया है, और जब ये फार्मर चला जाता है तो ये नरेटर जो है आरम जो है किसके पास भागा जाता है, ही रेन आफ्टर द फार्मर एंड ब्रोट हिम बैक, उसको वापस लेके आता है, ही रेन टू हिज कजन हाउस, ही सेंट हिज अंकल टू कॉल हिम बैक, नन ऑफ द हू, ही रेन टू हिज कजन हाउस, वो अपने भाई के साथ, और कजन कौन है, मुराद, कजन कौन है, मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिज कजन डूइंग व्हेन द नरेटर वेंट टू मीट हिम, और उसका भाई यानी कि मुराद, कजन कौन, मुराद क्या कर रहा होता है जब वो उसके पास जाता है, टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, राइटिंग ए लेटर, सिंगिंग ए सॉन्ग, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए बर्ड, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए बर्ड। अब चैप्टर को एक बार पूरा देख लेते हैं, जो मुराद है वो अरम के पास आता है एक दिन सुबह सुबह घोड़ा लिए हुए, घोड़ा किसका है, जॉन बायरो का है, जो कि उसने चुरा लिया है। अब ये दोनों जो है हॉर्स राइडिंग करते हैं सुबह सुबह के टाइम, एक दिन जॉन बायरो को ये दोनों घोड़े के साथ मिल जाते हैं, अरम भी और मोराद भी, तो मोराद इसको अरम को कहता है कभी भी मिल जाए तो ये कह देना घोड़ा हमें आज ही मिला है, हम हॉर्स राइडिंग आज ही कर रहे हैं। तो जब ये जॉन बायरो उसको देखता है घोड़े को अरम और मोराद के साथ, ये मानता नहीं है कि ये मेरा घोड़ा है, क्योंकि ये किसके लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए, भाई ये ईमानदार लोग हैं, ये नहीं चुराएंगे।
इसीलिए अरम एंड मोराद जो है इस घोड़े को, इसके बाद जब ये मिल जाता है, मतलब इनको इनकाउंटर हो जाता है, इनका आमने सामना हो जाता है, तो इसे घोड़े को लौटा देते हैं जॉन बायरो को। मतलब ये उसके घर पे चोरी छिपे बांध के आ जाते हैं, बताते नहीं है इसको, सिर्फ उसके घर के बांध के आ जाते हैं। और ये जॉन बायरो दोबारा से जब इसके घर जाता है अरम के, और कहता भाई मेरा घोड़ा मिल गया है, तो इसके अंकल जो है इसको चुप करवा देते हैं, भाई इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये हमारी स्टोरी थी। और जब ये पहली बार जॉन बायरो अरम और मुराद के घर आता है और कहता है कि एक महीने से जो है मेरा घोड़ा गायब है, चुरा लिया गया है, तब जो है अरम भागकर अपने कजन के पास जाता है मुराद के। उस टाइम कजन क्या कर रहा होता है, एक चिड़िया जिसके पंख टूट गए हैं उसको जो है ये रिपेयर करने की, मतलब उसके दवाई वगैरह लगा रहा होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।